दिल्ली की ठंड भाई साहब हम बता रहे हैं इस साल तो कुछ होके रहेगा। सो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शिखर द बियर्ड बाइकर और आज अपन आंसर करेंगे आपका मोस्ट रिक्वेस्टेड या मोस्ट क्वेश्चनेबल क्वेश्चन, मतलब मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो था कि भाई जब भूसा को आप दिल्ली टू गोवा एंड गोवा टू दिल्ली लेके आए विद लगेज विद एवरीथिंग, आपको क्या प्रॉब्लम हुई, राइडिंग पोस्चर में कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, पेट्रोल का खर्चा कितना आया। फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और बेसिक चीजों का बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही स्पीडी तरीके से आंसर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी राइड करने से पहले चाहिए आपको एक प्लान, तो इन आर केस हमने एक प्लान बनाया कि हमें करनी है एक राइड। हमने एक डेस्टिनेशन चूज करी गोवा, गोवा की राइड करी, उसके बाद हमने जब डेस्टिनेशन फाइनल करी गोवा, उसके बाद हमने डेस्टिनेशन के का रूट फाइनल किया हम कौन से रूट से जाएंगे, बिकॉज गोवा जाने के फ्रॉम गाजियाबाद और दिल्ली बहुत सारे रूट्स हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले ही पहुंचे और सबसे पहले ही वापस आए। तो ये राइडिंग के लिए शाबाशी, हमें बहुत अच्छी राइड करते हैं हम, शाबाश, यस, हिट दैट लाइक बटन अभी के अभी, फटाफट से वीडियो को स्टॉप करके ना लाइक कर देना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हमने पहले प्लान बनाया, पहले डेस्टिनेशन चूज करी, डेस्टिनेशन के बाद एक रूट चूज किया, रूट के बाद हमने एक राइडर चूज किया, राइडर के बाद हमने बाइक चूज करी, बाइक को हमने कराया सर्विस, उसके बाद कराया टायर चेंज, उसके बाद कराया उसका कोटिंग, उसके बाद कराया उसका रैपिंग, उसके बाद आया उसका लगेज, उसके बाद आया हमारा राइडिंग गियर, उसके बाद हमने टाइम सेट किया कि हमें कितने बजे निकलना है। ऑल्सो हमने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स के साथ, जो हमारे भाई लोग हैं या जो हमारे घर वाले हैं, उनके साथ हमने की अपनी लाइव लोकेशन शेयर फॉर 8 आवर्स, सो दैट दोनों बंदों ने, सो दैट अगर एक का फोन नॉट रीचेबल होता है या दूसरे का होता है तो दूसरे बंदों को पता होना चाहिए कि हम कहाँ हैं। एंड एवरी टाइम वी टुक अ स्टॉप वी वर अपडेटिंग आर भाई लोग कि भाई अपन यहाँ पहुँच गए, अपन वहाँ पहुँच गए। तो ये चीज़ प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग अपने घर वालों को इन्फॉर्म करते रहें कि आप कितने किलोमीटर्स कर चुके हैं और कहाँ पहुँच गए हैं एंड एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने क्या किया, हमने किया एक बेसिक चीज़ डिसाइड कि इतने किलोमीटर के बाद हमने ब्रेक लेना है, बिकॉज 4400 किलोमीटर ऐसे नहीं होते हैं, यू नीड अ प्रॉपर प्लान। सो अगर बात करें तो 2200 किलोमीटर पर साइड होता है, 2200 किलोमीटर में हमने कहाँ ब्रेक लेना है, तो हमने डिसाइड किया कि भाई एटलीस्ट 500 किलोमीटर पे ही ब्रेक लेंगे, बट हाल कभी भी आपके हाथ में नहीं होते हैं क्या होने वाला होता है रोड पे। सो हमने जयपुर से पहले ही हमको रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ द फॉग, आपको पता ही है। उसके बाद हमने स्टॉप लिया उदयपुर में, देन वी टुक अ स्टॉप इन वडोदरा, देन वी टुक अ स्टॉप इन मुंबई, देन वी टुक अ स्टॉप इन पुणे, देन वी टुक अ फाइनल स्टॉप इन गोवा। सो हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टॉप्स नहीं लिए एंड हमने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा जो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा, कभी भी राइड पे अगर आप जाते हो लॉन्ग राइड्स पे डोंट ईट मतलब ऐसा नहीं कि भूखे चले जाओ, डोंट ईट से मेरा मतलब है कि प्रॉपर लो हैवी ऑयली फूड नहीं खाना है, पराठे शराठे लस्सी वस्सी दही ये सब नहीं पीना है। टेक अ ग्लास ऑफ टी, दो ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बिस्किट विस्किट नमकीन ले लो, दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा अपने आपको खिलाना मत, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा खा लिया रोड पे आपको 101% नींद आएगी। हम थे दो बंदे, दो बाइक, सेम बाइक, सब कुछ लगेज वगैरह सब कुछ सेम, कौन बंदा बाइक की मेंटेनेंस की चीज़ें वो रखेगा और कौन बंदा पैसे संभालेगा। सो इन माई केस आई वॉज कैरिंग द गैजेट्स और ये वो, तो आई वॉज द गैजेट गाय, तो मेरे बैग में बाइक के पंचर की और ये सब की सामान की जगह नहीं थी, तो आई वॉज कैरिंग ऑल द बेसिक क्लोथ्स मोर ओवर द गैजेट्स, बिकॉज गैजेट्स जब आप रखते हो ना तो बहुत सारी जगह चाहिए होती है आपको एंड बहुत तरीके से उनको रखना पड़ता है, बिकॉज इन केस इफ द बाइक फॉल्स, इफ द बैग फॉल्स या कुछ भी होता है तो आपका गैजेट इतना महंगा होता है कि आपको उसको सेफ रखना है, वो टूटे ना, सो उस वजह से थोड़ी सी स्पेस की मारामारी हो जाती है। बट कोई बात नहीं, बैग्स हमारे इतने अच्छे थे कि हमने साला काउल भी उसी के अंदर डाली और काउल भी लेके गए, बिकॉज नो बडी एल्स वॉज लाइक दैट कि कभी भी जिंदगी में कोई हर चीज अपने साथ लेके गया, तो वी वर द फर्स्ट वन इन दिस बिकॉज वी ट्राइड इट एंड वी वर वेरी सक्सेसफुल इन दैट, आपने देखा ही था। एंड हमने फिर प्लान किया कि एक बंदा रहेगा जो पंचर के 10 ल्यूब्स वगैरह रखेगा, वो थे सौरभ, तो सौरभ ने सब कुछ रखा हुआ था, एयर पंप वगैरह सब कुछ एक हमने प्रॉपर तरीके से रखा था कि ऐसा ना हो कि एक बंदे के पास वेट ज्यादा हो जाए और एक बंदे का बैग हल्का रह जाए, सो वेट वॉज बैलेंस्ड। इन केस अगर किसी के पास भारी भी हो जाता है सामान, सो डू स्विच द बाइक्स, ऐसा ना लगे दूसरे को कि यार ये बंदा आराम से जा रहा है, ये मन में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो आ जाती है जो आनी नहीं चाहिए कभी भी। तो हमने क्या किया, जो मेरे पैसे थे और जो कपूर साहब के पैसे थे उन्होंने, हम दोनों ने पैसे एक साथ रखे, थोड़े से उनके पास छोड़ दिए, थोड़े से मैंने पहले खर्चे के लिए अलग रखे, एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु वॉज स्पेंडिंग द मनी, बिकॉज जब एक ही बंदा खर्चा करता है ना तो उसको मालूम होता है कि कितना खर्चा हो गया है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कितना हो चुका है अब तक, कितना बचा है अब तक। सो ये सब चीज़ें एक बंदा हैंडल करता है, बहुत अच्छा रहता है एंड पता रहता है कि भाई इतने पैसे हमने दे दिए थे अपनी जेब से, अब जब तक ये
खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक बंदा मांगेगा नहीं। जो भी खर्चा हुआ है मेक अ नोट ऑफ इट, उसी टाइम उसी पॉइंट पे एक नोट लिखो, भाई चाय पी 20 रुपए, चिप्स लिया 10 रुपए, बूमर ली 5 रुपए, कुछ भी हो आप उसी टाइम लिखो, जैसे कि मैं लिख रहा था। अगर आपको मैं दिखाऊं, सो आई वाज मेकिंग, अगर मैं जूम करके दिखाता हूं तो मैंने एक पूरा एक लिस्ट बनाई, डे 1 डे 2 डे 3 से लेके पूरा डे 11 तक है शायद, हाँ 11वें दिन हम अपने घर थे। सो ऐसे आप प्लान बनाएंगे, उससे क्या होता है आपको मालूम रहेगा कि कितने खर्चे को आप कंट्रोल कर रहे हैं और कितना बेफजूली का खर्चा कर रहे हैं। बेसिक चीज जो आप लोगों ने मेरे से पूछी थी, हाँ यार उसे पे लगेज कैरी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने लगेज को कैरी किया। उसमें प्रोटेक्ट हमारी बाइक का जो पेंट था वो कर रहे थे हमारे अपने एके कस्टम्स, जिन्होंने हमारी बाइक का रैप इतने अमेजिंग तरीके से किया कि 4,400 किलोमीटर चलाने के बाद भी रैप को कुछ नहीं हुआ, बाइक पे कोई स्क्रैच नहीं आया, सो दैट वाज एन अमेजिंग जॉब। प्लस हमने जिस तरीके से बैग्स को बांधा था वो आपको जरूर आना चाहिए, मतलब अगर कोई भी आप लगेज कैरी करते हो तो बंजी कॉर्ड से बांधना आपको जरूर आना चाहिए अपना बैग, और बंजी कॉर्ड बहुत टाइट होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने कहीं लूज छोड़ दियो। अगर वो थोड़ी बहुत भी लूज रह रही हो दोबारा से उसको खींचो प्रॉपर तरीके से, उसको पूरा एक्सटेंड तक स्ट्रेच करके जाओ, बैग हिलना नहीं चाहिए। कैरी करने में बूसा पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यू जस्ट हैव टू कैरी योर ओन लगेज, इफ यू आर अ राइडर यू नीड टू मेक श्योर अबाउट दैट। सेकेंड चीज जो आप हमसे पूछ रहे थे कि बूसा पे इतनी लंबी राइड करी आपको कमर में दर्द नहीं हुआ, जो बूसा राइडर्स है ना, मैं कहता हूं अगर आप प्रॉपर एक तरीके के राइडर हो तो आप ये चीज मानोगे कि बूसा देखने में अग्रेसिव जरूर लगेगी सिटिंग पोस्चर में, बट है नहीं, बूसा इज वेरी कंफर्टेबल। एंड रिमेंबर, बूसा को कहा जाता है स्पोर्ट्स टूरर, क्योंकि आप उस पर टूर कर सकते हो, तो समझ सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, अगर आपको बिल्कुल आदत नहीं है एंड आपको लोअर बैक की थोड़ी प्रॉब्लम है, या आप जल्दी थक जाते हो, या आपको बिल्कुल भी राइड्स की आपको वो भी नहीं है, आदत नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम जरूर कर सकती है, बट ट्रस्ट मी रोड्स बहुत अच्छी हैं, ट्रैफिक इतना नहीं है, बट जो है वो खैर उसके बारे में तो क्या बोले, किस लेवल का है, तो आप समझ सकते हो ना कि मतलब नो राइट एंड नो लेफ्ट, जहाँ मन करे जब मन करे जय माता दी लेट्स रॉक मोड़ दी, तो वो होता रहता है, तो उसका ध्यान प्लीज रखिएगा अगर आप इस रूट पे जाते हैं तो। तो बेसिकली लगेज कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी श्योर कि आपको क्या ले जाना है, लिमिटेड चीज लेके जाइए, अच्छे से पैक करिए, अच्छे से बांधिए उसको पीछे सीट पे, कोई दिक्कत नहीं होती है। बूसा में सिटिंग पोस्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरे को नहीं लगता हो सकती है। हाँ, थोड़ा अगर हो सकता है तो कभी आपको ट्रैफिक में थकान जरूर होती है बूसा पे, बट लॉन्ग राइड्स पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई बैक पेन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुई, सो इट्स ऑल एंड ऑल अ वेरी 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 गुड बाइक टू गो ऑन टूर्स। खर्चे में होटल इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज एक बंदा होटल किसी को स्पॉन्सर्ड भी होता है, किसी को होटल 800 रुपए वाला भी मिलता है, किसी को 2000 वाला मिलता है, किसी को 5000 वाला मिलता है, तो होटल का जो भी हिसाब किताब होता है वो सबका अपना अपना होता है, तो होटल इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। अब उसका ले जाने का बजट मेरा लगा दो बंदों का 60,000 रुपीज ओनली, 60,000 इज वेरी लेस, ट्रस्ट मी गाइज। जब आप हाईवे पे होते हो ऑब्वियसली आपकी थोड़ी बाइक की एवरेज वगैरह कम होती है ही होती है, प्लस लगेज होता है, प्लस तरीका चलाने का चेंज हो जाता है, कॉन्टिन्यूसली बहुत टाइम तक भगाते हो, फिर ब्रेकिंग भी उसी तरीके से होती है, तो एवरेज थोड़ा गिरता ही गिरता है, बट 60,000 रुपये दो हायाबूसा टू एंड फ्रो फ्रॉम गाजियाबाद टू गोवा एंड बैक, दैट इज 4,400 किलोमीटर्स इंक्लूडिंग द फूड जो हमने खाया, इंक्लूडिंग ऑल द खर्चा अपार्ट फ्रॉम द होटल, जो भी पैसा लगा है वो यही है, तो पर हेड आया है 30,000 रुपये 30,000 ओनली, एंड 30,000 में से मोटा मोटा 18,000 रुपये का हमारा लगा है फ्यूल, सो 9,000 रुपये पर साइड का फ्यूल लगा है पर पर्सन, मतलब अगर मैं गाजियाबाद से गोवा बाइक लेके गया हूँ 9,000 रुपये का फ्यूल लगा है, और गोवा से वापस गाजियाबाद बाइक लेके आऊँ 9,000 रुपये का फ्यूल लगा है, 18,000 रुपये का फ्यूल लगा है, उसके बाद 12,000 रुपये फॉर 11 डेज इंक्लूडिंग द फूड, चुटर मुटर खाना पीना कैफे शेफे हर चीज़ मिला के 12,000 रुपये लगे हैं खाने वगैरह में, और पेट्रोल का अगर लगाए तो 18,000 रुपये, मेक्स इट अ टोटल ऑफ 30,000 पर पर्सन, एंड इट वॉज अ वेरी 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 फैंटास्टिक ट्रिप। अपलोड करी बैक टू बैक, आप लोगों को बहुत पसंद आई, अभी भी पसंद आ रही है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हिट दैट लाइक बटन अगेन, मतलब अगर नहीं किया है तो पता चले आप लाइक ही हटा दो, ऐसा नहीं होता, और अपने आस पड़ोस वालों में से आज एक चीज करिएगा, एक बंदे से करिएगा फटाफट से सब्सक्राइब, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस महीने के अंदर अंदर, बचे हैं कुछ ही दिन, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय एंड हैव अ सेफ ट्रिप।
अहेड अगर कोई कर रहे हो तो. सी यू.